अरे ये क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है ना जिया शंकर और अभिषेक मलहान के बीच। असल में जिया शंकर ने बीते दिन कुछ ट्वीट्स किए जिसके बाद अभिया फैंस के तो मानो होश ही उड़ गए। जिया शंकर ने हैशटैग अभिया से अपने फैंस को ब्रेक लेने को कह दिया। सबसे पहले तो बता दें कि जिया ने अपने फैंस के लिए क्या ट्वीट किया। अपने फैंस के लिए जिया ने लिखा, मैं बहुत खुश हूं कि मैं ऐसे लोगों से घिरी हुई हूं जो मुझे एक इंडिविजुअल के तौर पर प्यार करते हैं और समझते हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरी परवाह करते हैं। मैं चाहती हूं आप लोग ये जानें कि मैं आपकी केयर और कंसर्न की बहुत सराहना करती हूं। मैं आप लोगों को सुनती हूं और मैं इसमें आपके साथ हूं। मुझे हमेशा सही दिशा दिखाने के लिए और मेरा साथ देने के लिए, मुझे हमेशा सही और गलत में फर्क बताने के लिए आपका शुक्रिया। जिया की जनता और जियांस, ये आपके लिए। मैं आपसे दिल की गहराइयों से प्यार करती हूँ और हमेशा आप लोगों की शुक्रगुजार रहूंगी। इस ट्वीट के बाद जिया ने हैशटैग अभिया फैंस के लिए ट्वीट किया, मैं सभी फैंडम्स से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कहीं पर अब इसे रुकने की जरूरत है। इस जंग को रुकने की जरूरत है कि कौन सा फैंडम बेटर है, कौन फेक है और कौन रियल है। मैं बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद अब बिग बॉस के घर के कुछ ही लोगों के साथ बॉन्ड शेयर कर रही हूँ। मैं ये बॉन्ड्स हमेशा रखूंगी, इससे हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, जिसे जो कहना है वो कहे। एक्ट्रेस ने आगे लिखा, हैशटैग अभिया थैंक यू फॉर ऑल द लव, लेकिन अब इस हैशटैग अभिया से ब्रेक लीजिए, क्योंकि ये हैशटैग अभिया अब मेरी जिंदगी में अननेसेसरी हेट लेकर आ रहा है। हम इससे बेहतर हैं, हम इंडिविजुअल के तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जिया को किसी और के साथ शिफ्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, जिया की जिसके साथ जैसी बॉन्ड है वैसी रहेगी। इस ट्वीट को पूरा करते हुए एक्ट्रेस ने आगे लिखा, जिया एक इंडिविजुअल है, प्यार को प्यार ही रहने दीजिए, जंग में मत बदलिए, पीस आउट एवरीबॉडी। ये लिखकर जिया शंकर ने अपने फैंस को हैशटैग अभिया का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी, अपने फैंस को इसे फौरन रोक देने की सलाह दी, क्योंकि हैशटैग अभिया से जिया शंकर को मिल रहा था अननेसेसरी हेट। वेल, इसके बाद सवाल उठता है कि तो क्या जिया शंकर ने अभिषेक से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं? जवाब है नहीं, जिया ने अभिषेक से रिश्ते नहीं तोड़े हैं। जिया शंकर ने एक और ट्वीट को रीशेयर किया था जिसमें लिखा था, वो सभी लोग जो कह रहे हैं कि जिया ने अभिषेक के साथ नाता तोड़ दिया है, वो बिल्कुल गलत हैं। जिया ने अभिषेक के साथ नाता नहीं तोड़ा, बस जिया ये चाहती है कि हैशटैग अभिया को शिप करना बंद कर दिया जाए। कम से कम इतना तो ना शिप किया जाए कि जिया को अननेसेसरी हेट मिले। वेल यस, जिया शंकर को हैशटैग अभिया नहीं बल्कि अभिषेक से अपनी दोस्ती और शांति ज्यादा प्यारी है, इसी के लिए जिया ने हैशटैग अभिया का इस्तेमाल ना करने की बात कही। बताते चलें कि जिया के फैंस का कहना है कि इस सीजन का अगर कोई सबसे मिसअंडरस्टूड कंटेस्टेंट है तो वो जिया शंकर ही है। जिया के फैंस का कहना है कि जिया काफी इनोसेंट है और उसे सही तरीके से रिएक्ट करना नहीं आता, इस वजह से जिया को इस सीजन में बहुत नफरत मिली। वेल, आप लोगों को क्या लगता है, क्या जिया चालाक है या फिर इनोसेंट? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे साथ अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।